दरियाओं में घुल रहे फैक्ट्रियों के वेस्ट और लोगों द्वारा बचे कुछ सामान कूड़ा करकट को पानी में फेंक कर हम खुद के पीने के पानी को बर्बाद कर रहे हैं और हजारों तरह के केमिकल पानी में घुलकर हमारे तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण कई तरह की भयानक बीमारियों ने जन्म ले लिया है जो हमारे जीवन अवधि को छोटा कर रहे हैं। वहीं अनेक तरह के धुएं ने हमारी हवा को भी प्रदूषित कर दिया है और लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से वातावरण असंतुलित हो चुका है। अगर बात करें धरती की, तो हम जरा से मुनाफे के लिए फसलों पर कई खतरनाक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और धरती की उपजाई शक्ति को खत्म कर रहे हैं। वहीं हम अपने बच्चों को जहर परोस रहे हैं। इन्हीं चिंताओं को लेकर आज भाई घनैया कैंसर रोको सेवा सोसाइटी की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संत बलवीर सिंह, प्रोफेसर उमेर दत्त, डॉक्टर प्यारे ललक इलावा कई शख्सियतों ने हिस्सा लिया। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश दिए गए। वहीं सरकार को उन फैक्ट्रियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। संत बलवीर सिंह सिचेवाला ने कहा कि आज पानियों में जहर घोलकर हम तक पहुंच रहा है, जिसको खत्म कर कुदरती स्रोत को निर्मम बनाने की जरूरत है। वहीं फैक्ट्रियों का, घरों का और सीवरेज आदि का पानी दरियाओं नहरों में फेंकने की वजह से ट्रीटमेंट के बाद खेती के लिए काम में लाना चाहिए। वहीं हम ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो जी, अज भाई कन्हैया कैंसर रोको सेवा सोसायटी फरीदकोट वालों प्रदूषित हो रहे वातावरण, धरती, हवा की संभाल बारे विचार चर्चा हो रही है, जिसनों इस तो जिहड़ा भी पक्ष निकल के आउणगे उसनों अगे आपां पिंडां दे विच शहरां दे विच लिजा के लोकां नूं लामबंद करांगे। दरियावां दे विच जिहड़ा इंडस्ट्री का गंदा पानी सिट्टिया जा रहा उहनूं रोकण वास्ते शहरां दे पानी ट्रीट करके खेती योग बनाउण लई किसानां नूं मतलब कुदरती खेती नाल जोड़न वाले पासे नूं वी सरकार नूं ध्यान देण लई बेनती करांगे। इस तो अलावा जी मतलब वातावरण दूषित है, इन रुख लाने की मुहिम पिंड पद्धर से सुचारू ढंग चलाने वास्ते ये विचार हो रही, तो यही मकसद आ भी धरती हवा तो पानी संभालना ही सानू सारे ही रल के काम करना पेगा। सरकारों भी, समाज सेवियों भी, हर एक पढ़े लिखे वर्ग में भी एकजुट होकर धार्मिक लोगों भी इस विषय पर ध्यान दे के पंजाब को खुशहाल बनाने लिए उही वधिया सुंदर वातावरण बनाने के लिए इकट्ठे होकर उपराला करना पेगा। हुण तक सरकारां दा किस तरह का रवैया रहा, जिस तरह की दरियावां विच फैक्ट्रियां दा गंदला पानी सुट्टे जा रहा, सरकारां दा की रवैया है? नहीं, सरकारां दा तो आपां देखते हैं जदों दा देश याद होया की हो रहा क्यों हो रहा है सारा, जो भी समय दियां जिन्हां ने राज कीते उह किते ना किते दे दोषी हैगे। दोषी बराबर लोग भी है जिन्हां ने कदे भी वातावरण की आप शुद्ध वातावरण की गल ही नहीं की, अपनी निजी मंगा रखियां, उत्थे दोषी लोग भी ने जिते सरकारां ने। पर सानू जिहड़ा वातावरण का मुद्दा है वोट का मुद्दा बना देना चाहिए, जिहड़ियां इलैक्शन उन्नी च आ रही तो राजनीतिक पार्टियां नूं मजबूर होकर वातावरण वाले पासे ध्यान देने लई मजबूर कर देना चाहिए। जिस तरह की हवा पानी सब गंदले हो रहे हैं, लोगों नूं किस तरह का सुनेहा देना चाहिए? लोगों नूं यही कहने से अपने आला दुआला साफ रखिए, खेतों के घट खादा स्प्रेयां की वरतों करिए, जिथे गंदे पानी मिलाए जा रहे उसका विरोध करिए, उन्होंने जो भी सरकार के रूल आ निजम इंडस्ट्री के उन्होंने पूरा कर, उस तरह का पानी दरियावां च ना छड़न, ट्रीट करके खेतों लाने योग ही किया जाए। बहुत वड्डी समस्या साढ़े पंजाब की नहीं, भारत की नहीं, दुनिया की समस्या वातावरण का प्रदूषण होना, पर पंजाब की सब तो वड्डे दरिया सतलुज, ब्यास, चिट्टी बेई, काला संघिया ड्रेन, बुढ़ा नाला, दरिया घग्गर जिहड़े बिल्कुल प्रदूषित हो चुके हैं, जिहदे विच सतलुज ते घग्गर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, चिट्टी बेई प्रदूषित है। सो इहदा 100% हल है, जिन्ना भी पानी असीं पिंडां शहरां दा वरतों च लिआउने आ उन्हों ट्रीट करके खेती लिए वरत्या जा सकता, कुदरती खाद के रूप के वरत्या जा सकता। तो जेकर अमृत वर्गा पानी जिहड़ा ग्लेशियर खुर के दरिया सतलुज ब्यास में आ रहा, जेकर वो पिंडा शहर की वेस्टेज असी इंडस्ट्रियल वेस्टेज पानी बंद कर दीए तो अमृत वर्गा पानी मालवा राजस्थान तक लोग पी सकते हैं, पानी धरती थले रिचार्ज हो सकता, यदा 100% हल आ। तो साढ़े को गंदे पानी नहीं गए जोड़े असी यूज करते वरतों में लियाने, उदू कितने ज़्यादा पानी असी खेती लिए वरतों में लियाने। जे असी पानी जिन्हें असी वरतों से पिंडा शहर तो करते हैं, साढ़े 12,000 पिंड दे पंजाब दे सप्पड़ा, 18,000 20,000 सप्पड़ा, साढ़े 12,000 पिंड दे विच जे हर छप्पड़ दे उत्ते एक मोटर ला के पानी ट्रीट करके खेती नूं ला लीए, समझ लो 20,000 मोटर का पानी असी बचा सकते हैं। हर शहर चो एक नहर पानी की निकलती है जो ट्रीट करके खेती नूं ला दीए, तो वह सारे का सारा पानी चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट है चाहे म्यूनसिपल कारपोरेशन का गंदा पानी है, सारा ट्रीट करके खेती लई
ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਟਿਆਲੇ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ RO ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭਾਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰਹਿਤ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਚ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲਦਾ ਸੀ, ਬਿਆਸ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਡਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਣ ਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ।